सिल्क या रेशम उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। साल 2009-10 में भारत ने इसका 19,690 टन का उत्पादन किया था। ऐसे में अपने ही देश में इसका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। IID आपको इस एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में बताएगा रेशम के बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल के तौर पर आपको सिल्क कोकून की ही जरूरत होगी। मशीन्स। सिल्क रीलिंग बिजनेस में आपको बकेट एलिवेटर, सिल्क रीलिंग मशीन, ट्विस्टिंग मशीन, सिल्क रीलिंग मशीन एंड पैकेजिंग मशीन के साथ साथ कुछ इक्विपमेंट्स लाइक वाटर टैंक, वाटर पंप, बॉयलर, ओपन हीटिंग टैंक आदि की जरूरत होगी। फर्स्ट इट कम्स अप चरका, जो हैंड ड्रिल होता है। तो इन दैट नाउ वी आर फर्स्ट यूजुअली चरका ही था, तो चरके में अभी वी मेक डुपियन सिल्क। देन कम्स अप अराउंड फ्लेचर मशीन, और वी कॉल इट एज एन सेमी ऑटोमेटिक मशीन, wherein we get a little more finer quality of silk. Then we have multi-end machines wherein nothing but the quality of silk again gradually increases. Then now we have started with an automatic machine which has around 400 or 200 ends. In that we get a quality of silk that is parable with the Chinese silk. Chinese silk, which was and which is right now one of the premier product quality in all over the globe. So whatever quality of silk they are making, that quality of machine now we've started manufacturing it in India, and that in that quality we get is called ARM, the automatic reeling machine. In that we get the finest quality of silk possible in today's day. अब बारी आती है सिल्क रीलिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले सिल्क यानी रेशम के कीटों के कोकून को सीधा फार्म से खरीद कर इसकी मैनुअली क्वालिटी चेकिंग की जाती है। इस प्रोसेस के बाद इन्हें बॉयलर की मदद से हीट किया जाता है ताकि उसकी सारी इम्प्योरिटीज खत्म की जा सके और मध्यता कोकून सिल्क एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद हीट किए गए कोकून को सिल्क रीलिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद रीलिंग प्रोसेस को शुरू कर सिल्क की रीलों को तैयार किया जाता है। इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद आप इसको पैक कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रेड की स्ट्रेंथ और साइज बढ़ाने के लिए इनकी ट्विस्टिंग भी की जाती है, जिसके बाद प्री रीलिंग किया जाता है और क्वालिटी चेकिंग के बाद आप इन्हें भी पैक कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं इंडस्ट्री स्टार्टअप के लिए इलेक्ट्रिक लोड की। तो आप इस पूरे प्लांट को लगभग 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ चला सकते हैं। एरिया एंड मैन पावर। आपको इस प्लांट सेटअप करने के लिए करीबन 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वहीं मैन पावर की बात करें तो आपको 5 से 8 लोगों की जरूरत होगी। करंटली द ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन्स वी हैव वन और टू प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, बट यू हैव वेरी गुड हेल्प फ्रॉम द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सो सेंट्रल सिल्क बोर्ड इन इट्स वेरीड स्कीम्स यूजुअली सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ द मशीन बाय अराउंड 60-75%। सो व्हेन यू अप्लाई दिस मशीन्स फ्रॉम देयर एंड and you go through their process and if you are selected, they have their parameters set. So once if you are clear with their parameters and they have a lottery based system, so if you are lucky enough, then they may get the machine installed at your place at a cost of 25% of the actual cost of the machine. Investment. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी। वहीं अगर आप इसे बिग स्केल पर करना चाहते हैं तो इसमें IID की मदद ले सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। 8 kg कोकोन से 1 kg यार्न प्रोडक्शन किया जाता है। वहीं सिल्क मार्केट में 2000 तक में इसे सेल किया जाता है। ऑन एन एवरेज आप इस पर लगभग 10-15% तक का मार्जिन अर्न कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट आपकी सिल्क की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। कोकोन्स एवरेज कॉस्ट इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 250-550 रुपीस पर केजी। पर केजी ऑफ सिल्क इफ यू नीड टू मेक, यू नीड अराउंड 6-8 kgs और 9 kgs ऑफ कोकोन्स। सेलिंग कॉस्ट ऑफ रॉ सिल्क वेरीज फ्रॉम अराउंड 2000-4000 रुपीस पर केजी, depending on various market forces, the demand and supply of and availability of cocoon. चलिए बात करते हैं इस business startup के लिए जरूरी licenses की। तो इस business के लिए आपको GST, उद्योग आधार, registered with Silk Marketing Board and Silk Cocoon Board licenses की जरूरत होगी।
एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स अगर सिल्क रीलिंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसमें IID की मदद ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस या गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।